हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायस कॉलर। तो इस वीडियो में हम गैटबी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ ये जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में पहले हम कुछ पॉइंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आने वाला जो 2025 होगा, 2025 में जो गैटबी होगा उसके लिए दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। कुछ नया चीज़ देखने को मिला है गैटबी 2024 में, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल आप कह सकते हैं मॉडरेट था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था। पार्टिकुलरली पार्ट ए के आप जो क्वेश्चन था दैट वाज अप टू मॉडरेट लेवल, एंड फॉर पार्ट बी यू कैन से दैट ये इजी था, ये आसानी से किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये जो कुछ एडवांस कंसेप्ट जो पूछा गया था, जैसे पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक था, एक्सपेक्टेड नहीं था। इट इज़ बेस्ड ऑन करेंट रिसर्च जो चल रहा है अभी इंडिया में, पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये सबसे एक क्वेश्चन सीएसआर में भी पहले बना है, अब डीबीटी भी बनाना है चालू कर चुका है। सो दिस पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड कंसेप्ट, ये चीज़ गैटबी 2025 के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये कंसेप्ट पहली बार पूछा गया है, सो टॉकिंग अबाउट डीबीटी, गैटबी एंड आपका बेट जो पीएचडी एंट्रेंस है, उन दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट होगा। ये थोड़ा केयरफुली नोटिस करना होगा हमें इस एग्ज़ाम को देखते हुए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होगा। सो आंसर की आ गया, आंसर की आ गया, अब क्या होगा इसके बाद, आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो निकाला जाएगा। तो उसका एक्सपेक्टेड डेट है एंड ऑफ मे, और मैक्सिमम अगर जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए अगर बहुत डिले ना हो। अभी उतना प्रिडिक्टेड नहीं है, थोड़ा डिले हो भी सकते हैं, बोर्ड का सीज़न है, तो दैट्स वाई। सो फर्स्ट वीक ऑफ जून या एंड ऑफ द मे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा हाथ में। ये कुछ पॉइंट्स था। सो ओवरऑल क्वेश्चन लेवल वाज मॉडरेट, तो इससे क्या होगा कट ऑफ लेवल में थोड़ा चेंज होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर देखेंगे, ये 2022 का है, 2022 में कट ऑफ था 240। अब बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप देखेंगे 2022 में क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट 2023 में ये बड़ा क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान था। अब डायरेक्ट बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका डायरेक्ट आंसर है 127, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कंसिक्वेंटली थोड़ा EWS OBC SC ST के लिए देख सकते हैं। अब देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस बार के लिए दैट इज़ 115 to 120। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था, तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा दैट वाज इन अराउंड, एक्सपेक्ट आप कर सकते 115 से 120 के आसपास होना चाहिए, 130 मैक्सिमम है वो नहीं जाएगा, 120 के बीच में रहना चाहिए। सेम आपका OBC के लिए 78 to 84, 80 to 82, EWS के लिए, SC के लिए 62, ST के लिए 62-65 मैक्सिमम, SC के लिए 65 मैक्सिमम, और PWD के लिए सेम कट ऑफ। एज आप देख सकते हैं ये ट्रेंड सेम रहेगा, मैक्सिमम वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन है, जनरल का कट ऑफ जो है 120 तक आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, यही जैसे मैं बोल रहा हूँ ये प्रिडिक्शन है, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर ये कट ऑफ डिपेंड करेगा, ओवरऑल क्या होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। चलिए नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो आपको पर्टिकुलरली इस टाइम पे ध्यान रखना होगा, दैट इज़ रेडी करना होगा आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जिससे वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप EWS एंड OBC NCL हो, EWS के लिए वैलिडिटी 1 साल रहता है, OBC NCL का थोड़ा सर्टिफिकेट में इशू होता है, तो ये जो करंट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जितना भी टाइम है उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए वेरिफिकेशन प्रोसेस में, सो इट विल बी नीडेड इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो सर्टिफिकेट हैं आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली EWS एंड OBC, इसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर एडमिशन के रिगार्डिंग, जैसे मार्कशीट थोड़ा ध्यान से रखिए, और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना चालू कर दीजिए, मिलेगा। जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, है ना, इसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो थिंग मैं बताऊंगा कि आप सेमिस्टर में थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट सेमिस्टर सिक्स सेमिस्टर आएगा अभी, तो उसको थोड़ा अच्छे से दीजिए। CGPA और SGPA है वो थोड़ा मैटर करेगा, तो उसके बारे में आप सोच के अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये चीज़ बताऊँगा, कीप स्टडिंग। इसके बाद फिर से एग्ज़ाम है आपका, फिर से क्या एग्ज़ाम है, आप चाहे PhD करना चाहे तो उसके रिगार्डिंग CSIR ये सब DBT ये सारे फिर से एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर आपको होना ही है। तो जब आप शुरू कर देंगे, जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो कीप स्टडिंग, आप रुकना नहीं है, आप पढ़ते जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई भैया दिस GATB स्कोर। GATB स्कोर से आपको कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और GATB में बहुत सीट्स हैं, आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है कि कहाँ क्या होना चाहिए, और आपके जो आपका जो नीड है उसके बेसिस पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिलना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इन्फॉर्मेशन आएगा रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा, और RCB में जो इंटरव्यू होगा IPhD के लिए, जो MS प्रोग्राम है, MS PhD प्रोग्राम है, उसके लिए जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ कुछ बात करूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।